वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सब लोग स्वागत है और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बटरफ्लाई वाल्व के बारे में, जो कि सीमेंट डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज या किसी रूट के लिए वाटर लाइन को चालू बंद करने के लिए ऑटोमेटिक ऑपरेशन, मैनुअल ऑपरेशन। तो बटरफ्लाई वाल्व किसी कई प्रकार के होते हैं, तो इंस्टॉलेशन में माइक्रो स्विच और उसके पेनोमेटिक सिलेंडर वो किस प्रकार से लगते हैं और किस प्रकार से, और जो उसकी माइक्रो स्विच की जो सेटिंग होती है वो किस प्रकार से उसको सेट करें कि ये वर्क करेगा। कभी कभी माइक्रो स्विच जो है नहीं काम करता है तो बाईपास कर देते हैं लोग, लेकिन उसकी सब सही सेट करेंगे, सही से लगाएंगे तो माइक्रो स्विच प्रॉपर काम करेगा। और यहाँ पे जो बटरफ्लाई वाल्व मंगाए हैं तो ये पार्ट में आया है, क्योंकि असेंबल पूरा कम्प्लीट नहीं है। एक्सीवेटर ये अलग आया है और इसका जो इस डब्बे में जो माइक्रो स्विच आया है और ये बोल्ट आए हैं, तो ये बोल्ट जो इसको एक्सीवेटर को लगाने में लगेगा और यहाँ पे ये माइक्रो स्विच है, और माइक्रो स्विच के जो अंदर पार्ट लगेंगे सब इसी डब्बे के अंदर हैं। और यहाँ से जो ये एक बटरफ्लाई वाल्व की जो सील मंगाए हैं, एक्स्ट्रा के लिए मंगाए, कभी किसी के कट जाएगी तो यूज करने के लिए। और यहाँ पे जो ये डिस्क है का डाया नापते हैं, तो ये 250 डाया का बटरफ्लाई वाल्व है और सिंगल फ्लैंच है, यानी एक साइड फ्लैंच है, दूसरे साइड जो इस प्रकार से जो इस पे रबड़ लगा सकें। अब इसका अलाइनमेंट मिलाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा बटरफ्लाई वाल्व जब क्लोज कंडीशन में हो तो जो ये सिलेंडर का जो पिस्टन हो, ये सामने एलंकी बोल्ट है, यहाँ पर आना चाहिए, और इसके जो दो बोल्ट लगाने के बाद टाइट करने के बाद, और यहाँ पर इसके जो प्रेशर के अडाप्टर लगा देने हैं, उसके बाद यहाँ पे माइक्रो स्विच की बात होती है। यहाँ पे जो दो बोल्ट के पेंच के साथ कसा हुआ है माइक्रो स्विच है। अब यहाँ माइक्रो स्विच के कनेक्शन की बात आएगी तो आगे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ भी यहाँ पे कंप्लीट ये इसमें जो ओरिंग है इस बॉक्स माइक्रो स्विच जब को लगाएंगे तो इसके पीछे, अभी जो हम लगा रहे हैं इसके पीछे साइड में ओरिंग लग जाती है, ताकि कोई भी बारिश के टाइम में इसके अंदर मॉइस्चर ना आए और एयर टाइट हो जाएगा। और जो इस साइड से भी जो कैप होता है एयर टाइट होता है। इसमें तीन एलंकी बोल्ट लगेंगे और तीनों को कसने के बाद, और यहाँ से ये जो रोलर लगा रहे हैं, ये रोलर ही जो माइक्रो स्विच को ऑन ऑफ कराएगा। ये माइक्रो स्विच को ऑन तब कराएगा जब बटरफ्लाई गेट खुलेगा, जब ऑफ तब होगा, जब ये बटरफ्लाई वाल्व क्लोज होगा तो उस कंडीशन में इसे ऑन नहीं होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर ये रोलर जो है ऑफ कंडीशन में है, इसमें टच नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ऑन होगा उस समय पुश करेगा, उसको ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट करने के बाद अभी इसको ओपन क्लोज करके चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत भी आ सकती है, सेटिंग भी करना पड़ सकता है। तो जो अभी ये बटरफ्लाई वाल्व क्लोज हो रहा है तो साइड में एलंकी बोल्ट में आके टचता है, और यहाँ पर अंदर साइड में आपको दिखाएँ तो जो एलंकी बोल्ट से एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा, इधर देखिए थोड़ा सा ऊपर साइड आ रहा है और यहाँ सामने देखिए सील को ज़्यादा छोड़ के नीचे जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा जो हम एलंकी बोल्ट जो होता है इसके लूज कर देंगे एडजस्टिंग तो सही हो जाएगा। और यहाँ पे जब माइक्रो स्विच लगाएंगे तो इसमें मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, तो जिस दो पॉइंट पे सीटी बजेगी यानी बेल बजेगा, और जब बेल बजेगा और बटरफ्लाई वाल्व ओपन करेंगे तो बेल कट जाएगा, तो उसी पॉइंट पे वायर को लगा लेना है। और दूसरी चीज़ इसको, और एक तरीका है जो इसमें ड्राइंग बना हुआ है, ड्राइंग में जो वन जैसे उसमें नंबरिंग से जिसमें स्पेस है ऑन का सिग्नल है उसके हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर कंफर्म हो जाएगा कि हमारा माइक्रो स्विच वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। जिस पे आवाज़ आएगी ऑफ कंडीशन में, बटरफ्लाई बंद कंडीशन में, उसी पे वायर लगाना है, लेकिन चालू कंडीशन में आवाज़ बंद हो जानी चाहिए। कोई इशू नहीं आएगा, प्रॉपर फिर वर्क करेगा। जो इसमें रोलर लगाए हैं ब्लैक ब्लैक, जो कि घूमेगा और उसको पुश करेगा स्विच को, वो ज़रूर चेक करना है कि दोनों सही से टाइट होने चाहिए, बाद में ऐसा ना हो कि दिक्कत आए। और इसके ऊपर जो ये रेड कलर का लगा हुआ है शाफ्ट पे, ये क्लोज डायरेक्शन में आएगा। अभी क्योंकि बटरफ्लाई वाल्व क्लोज है तो क्लोज डायरेक्शन में, ये मैनुअली देखने के लिए क्लोज है या ओपन है। इस प्रकार से लगा के पूरा कंप्लीट करके बटरफ्लाई वाल्व, और इसको सीमेंट में लगाया, और इसमें दो वायर आपको लगेगा कि दो वायर क्यों लगे हैं, तो वाटर का और सीमेंट का दोनों एक ही पर लगा दिए हैं, और वायर ताकि सीमेंट भी इसलिए लगाएंगे कभी बटरफ्लाई वाल्व खुला हो तो सीमेंट जो है गिरे नहीं, इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए। वाटर थोड़ा बहुत हो जाएगा डिस्चार्ज तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।